हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। इस वीडियो में हम देखेंगे 7। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपको? द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। ठीक है, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस आपको दे रखा है 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। और आपको क्या बोला है कि जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर किसके इक्वल है? 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के इक्वल है। ठीक है, फाइंड द टू नंबर्स। आपको दोनों नंबर बताने हैं, स्मॉलर और बिगर नंबर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट स्मॉलर नंबर बी एक्स, ठीक है, और जो लार्जर नंबर है लार्जर नंबर बी वाई। ठीक है, लार्जर नंबर को हमने मान लिया वाई। अब इसने कंडीशन क्या बताई है? पहली कंडीशन क्या है? द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर इज 180, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो स्मॉलर नंबर को हमने एक्स माना और लार्जर को वाई, तो वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज 180। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस बोला है दोनों के स्क्वायर का, तो दोनों के स्क्वायर का, तो बड़े का स्क्वायर माइनस छोटे का स्क्वायर इज इक्वल टू 180। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? इसमें बोला है कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बड़े नंबर का 8 टाइम्स, सॉरी बड़ा नंबर का 8 टाइम्स, तो 8y हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? फ्रॉम वन एंड टू तो एक्स स्क्वायर की जगह 8y लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 8y, तो 8y इज इक्वल्स टू 180। तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वाई स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल्स टू 180। अब इसको प्रॉपरली लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के हमारे पास तीन मेथड है, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से, या फिर आप मिडिलटर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्या आ जाएगा? बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब माइनस बी, बी क्या होगा? जो सिंगल वेरिएबल है उसका कोफिशेंट, और a क्या होगा? जो स्क्वायर में है वेरिएबल उसका कोफिशेंट, एंड c इज जो आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो माइनस बी क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 क्या होगा? 4 तो एज इट इज a इज 1, और c क्या होगा? माइनस 180 अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 180 इंटू 4 दैट इज 720 अपॉन 2। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस माइनस अंडर रूट 784 अपॉन 2। ठीक है, अब इसको फर्दर इधर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस 784 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 28 अपॉन 2। अब 2x की वैल्यू आएगी, मतलब 2y की वैल्यू आएगी, उधर y है। ठीक है, ये y में चल रहा है तो y की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो y की दो वैल्यू आएगी, एक बार प्लस रखेंगे 18 को, एक बार 28 प्लस में रहेगा और एक बार माइनस में रहेगा। तो एक बार 28 प्लस में रखते हैं तो 28 और ये 2, तो ये हो जाएगा 36/2 दैट इज 18। तो एक तो y की वैल्यू आ गई 18, तो ये y1 कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब दूसरी y2 निकालनी है, तो y2 में क्या करेंगे? 28 माइनस में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 20/2 दैट इज माइनस 10। ठीक है, तो y1 और y2 आ गया। अब y1 की वैल्यू से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम। ठीक है, y1 की वैल्यू से भी x की वैल्यू निकालेंगे और y2 की वैल्यू से भी x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालनी है तो इक्वेशन 2 में रख सकते हैं y की वैल्यू। ठीक है, तो अब सपोज हम फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 में सबसे पहले हम y1 की वैल्यू रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, तो 8 इंटू वाई कितना है आपका? 18, तो दिस विल बिकम 144। ठीक है,
तो अगर एक्स स्क्वायर 144 है तो 144 किसका स्क्वायर हो सकता है, 12 का भी होता है और माइनस 12 का भी होता है, क्योंकि माइनस 12 इंटू माइनस 12 करेंगे तब भी 144 आएगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे 12 इंटू 12 दैट इज़ 144 ओनली। ठीक है, तो एक्स की दो वैल्यू आ गई, तो एक्स इज इक्वल टू 12 एंड माइनस 12। ठीक है, तो जब y की वैल्यू 18 रखी है हमने, ठीक है, तो x की दो वैल्यू आएगी 12 एंड माइनस 12। ठीक है, अब y की वैल्यू माइनस 10 रख के देखते हैं, तो वैन y इक्वल्स टू माइनस 10, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू माइनस 10। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 80, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 80। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाला केस तो हम रिजेक्ट कर देंगे कि y की वैल्यू माइनस 10 वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो वैल्यू आई है, दो वैल्यू क्या क्या आई है, तो देयरफोर जब x y 18 होगा, ठीक है, तो जब y 18 था तो y इक्वल्स टू 18, तो x इज इक्वल टू 12 है, एक तो ये कंडीशन हो गई, और दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि जब y इक्वल्स टू 18 रखा तो x इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, तो ये दो आंसर आ गए हमारे, y की वैल्यू 18 पे x की वैल्यू 12 है, और y की वैल्यू 18 पे x की वैल्यू माइनस 12 भी है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन आ गई हमारे, ये दो आंसर है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 8 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।